everyone, hope you all are well and safe. It's Mishu here and welcome back to my channel. तो अगर टाइटल और थंबनेल देख के आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो. आज के वीडियो के अंदर मैंने फेक नेल बताया है. अब कई लोग हैं जिनके पास फेक नेल होता है तो उनके पास ग्लू नहीं है, और किसी के पास नेल ग्लू है तो किसी के पास फेक नेल्स नहीं है. तो आज के वीडियो में मैंने ये दोनों ही बताया है कि आप कैसे इसे बना सकते हो. तो कैसे बना सकते हो और क्या है प्रोसेस, वो तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा. उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है एंड तक. और अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं लगाऊंगी बेस कोट और ये मैं अपने नेल पे अच्छे तरीके से लगा लूंगी. तो ये है एक वेस्ट कार्टून बॉक्स जो कि अभी काम का नहीं है, तो मैं इसको कट कर लूंगी. सबसे पहले इसका एक छोटा सा पार्ट करने वाली हूँ मैं कट, और उसके बाद ये एक छोटा सा पार्ट है जो मैं अपने नेल के लिए कट करूंगी. अभी जो कार्डबोर्ड का बोर्ड हमने निकाला है, इसके ऊपर से जो इसकी पहली लेयर है उसको मैं कुछ इस तरीके से निकाल लूंगी. यहाँ पे आप देख लो. और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जो लेयर आप निकाल रहे हो वो इस तरीके से फ्लैट हो जानी चाहिए. तो अभी आपको साइज पता करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले इसको अपने नेल के ऊपर रखो और फिर उसके बाद दोनों साइड से कुछ इस तरीके से मार्क कर लो. आप पेन का भी यूज कर सकते हो, पर अगर हाथ से करो तो ज्यादा सही है. अगर आप पेन से करोगे ना तो वो स्मच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे जब हम उस पर ग्लू लगाएंगे. अब साइज पता करने के बाद बारी आती है कट करने की. तो आप इस तरीके से सीजर का यूज कर सकते हो. कोई छोटी सीजर यूज करना चाहो तो उससे बहुत अच्छे से आप कट कर सकते हो. आप अपने नेल को कोई भी तरीके का शेप दे सकते हो जैसा आप चाहो. मैं स्क्वायर दूंगी. एक बार आपका नेल कट हो जाए, शेप में हो जाए, तो आप एक बार उसे चेक जरूर कर लेना कि वो आपके नेल के हिसाब से कट हुआ है कि नहीं. अब बारी आती है नेल ग्लू बनाने की. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फेविकॉल ले लेना है और उसको इस तरीके से एक छोटे से कंटेनर में रखना है आपको. और सेम उसी क्वांटिटी में आपको लेनी है आपकी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश या फिर टॉप कोट. उसके बाद आपको तुरंत ही एक ब्रश को ले लेना है. यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नेला ब्रश का ही यूज करो, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करो. और ये याद रखना कि अगर ये मिक्स ही होगा अच्छे से तो फिर आप जो ग्लू बना रहे हो वो भी अच्छा नहीं बनेगा. मैं ये नेल को यूज करूँ उसके पहले मुझे एक बार ही फिर से चेक कर लेना है अच्छे से कि ये मेरे साइज का है कि नहीं है. अभी सब कुछ रेडी है तो क्या करना है, ग्लू को हमें लगा लेना है. ये वही ग्लू है जो हमने बनाया है. इसको मैं सबसे पहले अपने नेल पे लगाने वाली हूँ. नेल के ऊपर ग्लू लगा लिया है, उसके बाद तुरंत ही अब मैं क्या करूंगी, ये जो नेल हमने बनाया है इसके ऊपर भी इस ग्लू को लगा लूंगी अच्छे तरीके से. आप श्योर हो जाना कि आप जो ये ग्लू लगा रहे हो ये अच्छे तरीके से आपके नेल पे लगा है कि नहीं लगा है. अभी नेल को बारी आती है स्टिक करने की, तो मैं डायरेक्टली इसको अपने नेल पे इस तरीके से रख लूंगी. और आपको इसको है ना बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करके रखना है और आपको ये देखना है कि वो आपके नेल पे अच्छे तरीके से स्टिक हुआ है कि नहीं हुआ है. ये नेल का साइज मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसको कट करूंगी. तो अभी नीचे की तरफ पे होने के बाद अभी मैं ऊपर की तरफ पे एक ग्लू को लगाऊंगी. ये सेम वही ग्लू है जो हमने बनाया है. अब इसे ऊपर लगाना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमारा जो नेल है उसे और भी ज्यादा हमें हार्ड बनाना है, तो ये उसमें हमें हेल्प करेगा. ये होगा, इसके बाद ना मैं अच्छे तरीके से वेट करने वाली हूँ जब तक मेरा ये जो ग्लू है ये अच्छे तरीके से मेरे नेल पे लगता नहीं है, अच्छे तरीके से ड्राई नहीं होता है. बैक साइड पे भी आपको ये ग्लू को यूज करना है. यहाँ पे आप देख सकते हो नेल का जो ग्लू है वो ऊपर के साइड पे अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, नीचे के साइड पे हो गया है या पीछे के साइड पे भी सेम वैसा ही है. तो मैं वेट करूंगी अच्छे से. यहाँ पे हो चुका है ड्राई, तो मैं अभी ये सेकेंड लेयर है जो ग्लू का मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे. मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो ग्लू आप लगाओगे ना तो इसके कम से कम आपको 4 to 5 लेयर्स लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपका नेल जो है वो हार्ड होगा अच्छे से. या आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने थंब पे करके बता रही हूँ, और बाकी का अगर आप करना चाहो तो आप बाकी के नेल्स पे भी सेम वही साइज कट करके और उसी तरीके से ग्लू बना के इसे पेस्ट कर सकते हो. तो इसीलिए मैंने बताया नहीं क्योंकि इससे वीडियो और भी ज्यादा लंबा होता, और प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक ही है. आपको कुछ इस तरीके से इसको लगाना है अपने नेल्स पे. अभी ये देखो मैंने अच्छे तरीके से ड्राई किए हैं 4 to 5 लेयर्स को, उसके बाद ये कुछ ऐसा रिजल्ट आया है इसका. ये आप देखो कितना अच्छा हमारा नेल बना है. और हमने यूज क्या किया है, हमने यूज किया है वेस्ट कार्टून बॉक्स को, और ये हमारा जो नेल है हमने इसे घर पे ही बनाया है विदाउट नेल ग्लू के.
साउंड से आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो नेल हमने बनाया है एकदम अच्छा और बढ़िया बना है। अब आप चाहो तो आपके नेल्स को आप पेंट भी कर सकते हो, जो भी नेल पॉलिश आपके पास हो आप उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप उसी जो हमारा कार्डबोर्ड का जो कलर था उस कलर को यूज़ करना चाहो तो वैसे भी सिंपल आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। और आप आगे और पीछे दोनों तरफ पे नेल पॉलिश को लगाओ, यहाँ पे देखो आप देख ही सकते हो मैंने यहाँ पीछे भी लगाया है इसे। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली और उन लोगों के साथ जिन्हें नेल ग्लू में इंटरेस्ट है या फिर ये फेक नेल्स में इंटरेस्ट है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू नेल आर्ट तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, लिंक मैं हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और अब मैं मिलूंगी आपको फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।